पीपल, तो हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर एंड वी आर ऑन द वे. जैसलमेर जाना किसका ड्रीम नहीं होता है, इट्स अ प्लेस जो हर किसी की बकेट लिस्ट में होता है. सो वी आर ऑन द वे टू जैसलमेर. जो रास्ता जाता है फ्रॉम जोधपुर टू जैसलमेर, इट्स अराउंड 5 hours का ड्राइव है. एंड आपको रास्ते में पोखरान आता है, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी ने न्यूक्लियर टेस्ट कराए थे. पोखरान आता है बीच में, एंड देन जैसलमेर सिटी आता है. उसके आगे जो हमारी कैंपिंग साइट है, OSS कैंपिंग साइट है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं. एंड देन शाम को वहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वो करने वाले हैं. एंड देन कल सुबह फाइनली हम लोग जाने वाले हैं डेजर्ट, जो कैमल सफारी होती है उसमें जाने वाले हैं. सो वी विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. सो गाइज स्टे ट्यून टिल द एंड एंड वी विल एक्सप्लोर जैसलमेर. तो लास्ट राजस्थान के वीडियो में आपने देखा कि उदयपुर में हम कहाँ रुके थे एंड हमने कहाँ कहाँ घूमा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. आज हम जाने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड ट्रिप्स पे, जो कि है जोधपुर से लेके जैसलमेर तक. अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए. तो हम दोपहर के अराउंड 1 बजे निकले थे जैसलमेर के लिए. जो डिस्टेंस हमें कवर करना था वो था अराउंड कुछ 270 किलोमीटर्स एंड अराउंड 6 to 7 hours लग जाता है अगर आप ब्रेक ले लेके जाते हैं तो. रास्ते में गांव पड़ते हैं जहां आपको राजस्थान का कल्चर इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म देखने को मिलता है. कुछ बसेस भी जाती हैं अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, बट रोड ट्रिप बाय कार का इस रूट पे अलग ही मजा है. अभी हम ऑन द वे हैं जैसलमेर एंड अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से अराउंड 260 किलोमीटर्स है. बीच रास्ते में पोखरान भी पड़ता है, आगे हम जाएंगे तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी है वहाँ से. और अभी हमको लगी है भूख, तो हमने एक्चुअली राजस्थान की जो स्पेशली जोधपुर की जो फेमस मावा कचौरी है वो हमने पार्सल करा ली थी. हमने जो शॉप से पार्सल कराई है वो है जोधपुर स्वीट्स करके, 1991 से उनकी दुकान है. अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ. तो अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा स्वाद है. वैसे अब जैसे अपने होली पे गुजिया खाई है, थोड़ा थोड़ा वैसा स्वाद है. इसके साथ चाशनी भी मिलती है, वो भी डाल के खा सकते हैं. बट बहुत अच्छी कचौड़ी है, मतलब ऐसी कचौड़ी मैंने, मीठी कचौड़ी आज तक नहीं खाई. फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मावा कचौड़ी. बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका. तो इसमें इलायची, मावा, उसके अलावा जो इलायची का टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट है. इसमें कुछ मसाले भी डाले हुए हैं. जब पेट भरा हो एंड डिलीशियस सी चीज खाई हो तो रोड ट्रिप्स का मजा दुगना हो जाता है, है ना? क्या आपने भी जोधपुर की मावा कचौरी ट्राई की है? कमेंट्स में जरूर बताइए. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे माहौल और भी अच्छा होता जा रहा था. शहर के शोरगुल से दूर हम रेतीले इलाकों के बीच बहुत ही स्मूथ रोड पे ड्राइव कर रहे थे. चलते चलते लंच का टाइम हो गया एंड आई वॉन्टेड टू हैव सम ऑथेंटिक फूड. जब आप राजस्थान में हैं, वो भी रिमोट विलेजेस में, तो ऑथेंटिक फूड तो ट्राई करना बनता है ना. तो अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं चाचा गांव करके, एक जगह है पोखरान से अराउंड 17 किलोमीटर्स है. वहाँ पे हम लोगों ने हॉल्ट किया बिकॉज हम लोग वी आर टायर्ड एंड वी आर हंग्री ऑल्सो. तो यहाँ पे एक ढाबे जैसा है, यहाँ पे वी आर हैविंग अवर लंच एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट अगेन. यहाँ से 2 घंटे है, अराउंड 100 सम किलोमीटर्स है. अभी जो बाहर वाले फॉरेनर नहीं आए ना, फॉरेनर आते हैं. ऑर्डर किया है दाल मखनी और बाजरे की रोटी. मैं कब से वेट कर रही थी कि जो ऑथेंटिक बाजरे की रोटी है यहाँ की वो कहीं मिले तो, एंड हमें प्रॉपर ढाबा स्टाइल बाजरे की रोटी खाने मिल रही है. सो आप देख सकते हो कितना एकदम प्रॉपर से इस पर घी लगा हुआ है एंड साथ में प्याज और नींबू. जस्ट मज़ा आ जाता है ये खा के. चलिए मैं टेस्ट करती हूँ यहाँ की जो ऑथेंटिक बाजरे की रोटी है वो कैसी है, विद माय फेवरेट दाल माखनी. टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ नींबू की कमी है. दाल में एकदम प्रॉपर बटर डला हुआ है, लहसुन प्याज टमाटर सब बहुत ही स्पाइसेस बहुत ही अच्छे से प्रॉपर क्वांटिटी में डले हुए हैं. बहुत ही अच्छी स्वाद वाली सब्जी है.
आफ्टर हैविंग अवर लंच कुछ और 100 किलोमीटर्स बाकी थे, बट हमें पता था जब तक पहुंचेंगे अंधेरा हो जाने वाला है, बट क्या फर्क पड़ता है, जहां है वहां के मजे ले लेते हैं। एंड गाइज बिलीव मी द बेस्ट व्यूज वर अबाउट टू कम। जब सनसेट हो रहा था एंड हम उस रोड पे ड्राइव कर रहे थे, दैट वॉज अनइमेजिनेबल। दोनों तरफ ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स, छोटे छोटे ट्रीज एंड सूरज जैसे आपके एकदम सामने है, बहुत ही सही लगता है। बीच बीच में आपको शेफर्ड्स एंड कैमल भी नजर आएंगे। क्या आपने भी ऐसा कोई सनसेट देखा है ड्राइव करते टाइम, कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड डेफिनेटली मतलब लाइफ में ये व्यू और ये सीन जो है आसपास, बहुत ही मजेदार, ये थ्रिलिंग सी राइड है। यू शुड डेफिनेटली एंजॉय दिस राइड once in your lifetime, you will always remember it. बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है मेरे सामने, आप देखो वो सूरज दिख रहा है। So guys, finally हम sand dunes के पास पहुंच गए हैं। Just 10-15 minutes में हम लोग पहुंच जाएंगे and we are really excited guys. So see you in Sam sand dunes. एंड देन शाम होती गई, सूरज ढल गया, हम चलते रहे एंड फाइनली पहुंच गए अपने कैंपसाइट में, जो कि थी ओएसएस कैंपसाइट इन सैम सैंड ड्यून्स। वहां पे हमारा बड़े ही धमाके से स्वागत हुआ। तो जब आप आते हैं आपका वेलकम बहुत ही अच्छे से होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो इनके प्रोग्राम्स है, कल्चरल प्रोग्राम, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो वी विल जस्ट फ्रेशन अप एंड देन हम बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे जो राजस्थानी लोकल प्रोग्राम्स हैं वो देखेंगे। आई एम श्योर आप क्यूरियस होंगे टेंट स्टे एंड सफारी देखने के लिए। वेल, वो अगले वीडियो में आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट्स आते रहें। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दो भाई एंड शेयर तो कर ही दो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहो, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।